करने का, लेकिन आज तक किसी ने झारखंड में हित की बात नहीं कही। कही तो किसके लिए, जो झारखंड अलग राज्य होने से बाहरी लोग विरोध कर रहे थे उनके हितों की बात कही है। आज बहुत उम्मीद के साथ सभी लोगों को यह कहा, आज जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उनको लोगों ने हटाने का काम किया, और सत्ता में भाई झारखंड आंदोलनकारी गुरु जी सिंह सोरेन के बेटा को सत्ता का दल को सौंपने का काम किया। लेकिन ये नहीं लगता है कि सिंह सोरेन का बेटा है, नहीं लगता है ये आंदोलनकारी का बेटा है, ये तो गद्दार साबित हुआ झारखंडियों के बीच। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, इस माटी के लिए हम सबों ने लड़ा था, या कुर्बानी कई लोगों ने दिया है, कई लोगों के मन से सिंदूर चला गया, कई लोग शहीद हो गए। आज सिंधों का रो चांद भैरव भी समुद्र की धरती है, यही सपना था, उनके सपनों का झारखंड का निर्माण होना था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। साथ ही निर्माण लोग तो शहीद हुए जाते लड़ते, आज हमारे बीच नहीं है, बिना बम आज नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक है, और उन्हीं के मार्गदर्शक पर चलना है, वांग करते मरते मर जाना है। लेकिन 1932 की खतियान झारखंड जी की पहचान, यही हमारी नारा है, और भाषा संस्कृति को बचाने के लिए ये बारी भाषा नहीं लागू कराने के लिए या उनको विरोध के लिए हम सबको कुछ भी करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, और नहीं तो हमें फिर से बिहारी लोगों के हाथों गुलाम बनना होगा। अभी तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड में बिहार बसता है, कौन सा बिहार बसता है, हमको बताइए क्या आपके लिए झारखंड बना कि झारखंड ये पूरे झारखंड बना। इसलिए झारखंडी भाई आप जाइए, 1932 का क्षेत्र जिसके हाथ में है वो झारखंडी है, चाहे वो आगरा हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो या अल्पसंख्यक हो, झारखंडी वही है जिसके हाथ में पर्चा है, जिसके हाथ में खतियान है। आप आगे अभी नहीं आएंगे, झारखंड नहीं आइएगा तो आने वाले दिन में आपके जो बाल बच्चे का सपना है, आपके पढ़ा लिखा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, आखिर नौकरी कहाँ करेंगे। इसके लिए साथी आपको सजग होने की जरूरत है। साथी कहने की तो बहुत कुछ है, विधायक दिल्ली से आए हैं, मैं इसको नमन करता हूँ फिर से, वो उनके बातों को भी सुन रहा है, और कई वक्ता भी हमारे बीच में है, ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूंगा, बारी भाषा नहीं चलेगी, और जल्द से जल्द बारी भाषा नहीं चल दो, और जल्द से जल्द झारखंड से, अभी तो बोकारो धनबाद से भोजपुर मंडल को हटाया गया है, लेकिन आपको मालूम है झारखंड में अब जनता की नागरिकता को लागू किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये अधिकार भाषा कौन बोलने वाला है, गाँव में कौन बोलता है, ये बताइए, अधिकार जानता है कोई क्या, अरे कोई बाहर से आके मुझे बसा है, 2% लोग बोलता है, 1% लोग बोलता है, उसके मान को मान लूंगा। लेकिन साथी पूरे संसार पर आज वही आज अंगिका भाषा को लागू कर दिया है, इसको कुछ समझने की जरूरत है। इसलिए पूरे राज्य की लड़ाई है, आग लगा है पूरे राज्य में, आग लगा देना है, और जब तक सरकार भोजपुरी अंगिका मैथिली भाषा को नहीं हटाती है, और 1932 के खतियान में आधारित झारखंडी का स्थानीय नीति भी बनाती है, तब तक हम चैन से नहीं बचेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में फिर से एकजुट होना होगा, फिर से बड़ा काम करना होगा, और आने वाले समय में झारखंड की सरकार को व्यवस्था करना होगा कि आपको 1932 के आधारित खतियान आधारित आपको स्थानीय नीति और धीरे धीरे नीति बनाने की जरूरत बनाना होगा आपको, हमें आपको चल से बच्चे देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी में आज 21 साल हो गए हमारे झारखंड प्रदेश को, बहुत पहले हम सबों के बीच में आई सत्ता में रही बैठी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आज की पार्टी की बात कर रहे हैं। ये पार्टियां ऐसी पार्टी है जो कि 17-18 साल तक हमारे झारखंड प्रदेश की सत्ता को संभालती रही, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम झारखंडी
नाम कैसे कहें, जिसे हम प्रमाणित करें कि ये हमारा झारखंड का व्यक्ति, हमारा एक झारखंडी। कभी नहीं सोचा इस 17 सालों का। उसके बाद में जब सत्ता की बात आई कि भाई हमें पहचान को मिलेगा, एक मात्र पहचान देने वाली पार्टी हमारी जो स्थिति में थी वो पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अब सब लोग ने इसी उम्मीद के साथ में, इसी सोच के साथ में, इसी भरोसे के साथ में, पहले तो 14 महीने की कार्यकाल हेमंत जी की रही, उस पीरियड में लोगों ने कहा कि अभी इनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए इन्होंने स्थानीय नीति नहीं बनाई। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, राजद वाले लोग भी थे, लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है।